पूरे देश से फ़ोन आ रहे हैं परिजनों के, शुभचिंतकों के, कि आज साकेत कोर्ट में हुआ क्या, जो 96 लोग थे उनकी बेल के विषय में क्या हुआ। पूरे दिन बिजी थे हम लोग, फिर जेल में भी कुछ साथियों से मिलने गए, भाई चंद्रशेखर आज़ाद और बहुत सारे लोगों से मिलने गए आगे की रणनीति के विषय में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज क्या हुआ। आज 43 लोगों की बेल लगी हुई थी, जो 3 तारीख के लिए लगी हुई थी। आज आर्गुमेंट हुए, सभी साथियों ने बड़ा सहयोग दिया। आज कम से कम 150 से 200 एडवोकेट थे बहुजन समाज के, और सभी लोगों ने दिल से काम किया। मैं कुछ एडवोकेट्स के नाम भी लूँगा जो वहाँ पर थे अभी। तो आर्गुमेंट हुई, आर्गुमेंट महमूद पराचा जी और लोगों ने भी की, बड़ी अच्छी आर्गुमेंट हुई, जज साहब ने हमारी बात को सुना। और कल 4 तारीख के लिए ऑर्डर के लिए लग दिया है कि कल ऑर्डर होगा 4 तारीख को, और हमें पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। साथियों, 43 लोगों की बेल लगी हुई है। जैसे ही 43 लोगों की बेल होती है, सब लोगों की बेल लगा दी जाएगी, और सभी एडवोकेटों का ये मानना है कि जल्दी से जल्दी बेल होनी चाहिए सब लोगों की। सब मेहनत कर रहे हैं, रविंदर सिंह जी हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम बड़ी मेहनत कर रही है। महमूद पराचा जी हैं, उनकी पूरी टीम मेहनत कर रही है। हम लोगों की सब लगे हुए हैं, 22 तारीख से ही सब लोग लगे हुए हैं। MSRE हैं जो साकेत से हैं, उनकी टीम लगी हुई है। जितेंद्र गौतम हैं जो साकेत से ही हैं, सिद्धांत गौतम जी भी हैं जो साकेत से ही हैं। 30,000 से बहुत सारे लोग आए हैं। भारती जी हैं, OP भारती जी, उनकी पूरी टीम, उनके सब लोग आए हुए थे आज। शिवचरण पीपल साहब हैं जो 30,000 से थे, 30,000 से बहुत सारे लोग आए थे। और साकेत के लोग थे, करकडूमा के लोग थे, पटियाला हाउस के कोर्ट थे, 30,000, द्वारका के भी कुछ लोग आए थे, सुमन साहब, और भी काफ़ी लोग थे। और समाज के, हर समाज का व्यक्ति आज वहाँ पर था, एडवोकेट था। और साकेत के जो प्रेसिडेंट हैं कर्नेल सिंह जी, वो भी वहाँ पर मौजूद थे, और सेक्रेटरी भी मौजूद थे। आज बहुत अच्छा माहौल रहा कोर्ट का, बहुजन समाज देखने को मिला, और कुछ सामाजिक संगठन के लोग भी आए हुए थे। ये सब देखकर हमारा मनोबल बढ़ा कि जिस एकता की हम बात करते हैं, आज वो एकता हमें कोर्ट में दिखाई दी। अभी लड़ाई स्टार्ट हुई है, लड़ाई बाकी है। बच्चों की बेल के बाद उनकी जमानत भी होनी है, जमानती भी तैयार रहना है, वो समाज के लोगों को ही जमानत देनी है। तो ये लड़ाई है, इस लड़ाई में सारे एडवोकेट्स सब बहुत ही मेहनत से और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमें अधिकार दिया, जो काला कोड दिया है, आज सभी लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कुर्बानी को, जो कुर्बानी दी है हमारे लिए, जिससे कि हम एडवोकेट्स बने हैं, कहीं ना कहीं उस कुर्बानी को, बाबा साहब के उस ऋण को चुकाने में कहीं ना कहीं योगदान दिया है। भानु प्रताप सिंह जी भी थे आज, वो पिछली बार भी थे, बहुत तमाम लोग थे, बाहर से भी लोग आए थे, कुछ हरियाणा के भी हमारे एडवोकेट्स आए थे, उत्तर प्रदेश के कुछ एडवोकेट्स आए थे। सभी एडवोकेट्स बड़े दिल से काम कर रहे हैं। साथियों, ये जो हमारा काम है, वकीलों का जो काम है, हम कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये हमारा फ़र्ज है, ये हर एडवोकेट का फ़र्ज है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे लिए कुछ किया था। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे लिए कुछ नहीं करते, तो शायद हम वकील नहीं बन पाते। अगर हम वकील हैं, एडवोकेट हैं, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने लोगों को, निर्दोष लोगों को छुटाएं, उनकी पैरवी करें। सभी का योगदान होता है हर चीज़ में। जब मुट्ठी बंद जाती है तो विजय होती है, जब ताकत बन जाती है तो विजय होती है, ताकत के सामने दुश्मन भी कमज़ोर पड़ जाता है।
तो आज ताकत का परिचय दिया, ये हमेशा देना है, क्योंकि हमारी कोई आपसी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई तो सिद्धांत की लड़ाई है, और जब सिद्धांत की लड़ाई आती है तो सिद्धांत में सब लोगों को एक हो जाना चाहिए। हमारे मतभेद हो सकते हैं मगर मनभेद नहीं हो सकते हैं। सभी एडवोकेट्स को मैं पर्सनली मैं थैंक्स करना चाहता हूं कि जिस सपने को हम देखते हैं कि बहुजन समाज एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, एक जगह आना चाहिए एक लड़ाई के लिए, आज वो दिखाई दिया वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम समाज के वकील भी थे, वहाँ पर ओबीसी समाज के भी थे, एससी समाज के, आदर समाज के भी लोग थे, और बहुत ही सब लोगों ने ईमानदारी से काम किया। मैं बार बार उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जो लोग सामाजिक संगठन के लोग हैं और वो कोटों में आए, उन्होंने मनोबल बढ़ाया हम लोगों का, और उस लड़ाई को जीतने के लिए जो लोग सहयोग दे रहे हैं, जो लोग मनोबल बढ़ा रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये पक्का है कि सारे बच्चे बाहर आएंगे, सबकी जमानत होगी, सब लोग रिहा होंगे और सब अपने अपने घर जाएंगे। सब एडवोकेट्स, पूरी टीम्स लगी हुई हैं, रात रात दिन काम चल रहा है, लोगों से जेलों में मिलके आ रहे हैं लोग बाग, उनके पेरेंट्स को बुला बुला के उनकी मुलाकात करा रहे हैं। 96 लोगों का पूरा बायोडाटा, पूरा उनके नंबर्स, उनके सब कुछ, एक एक चीज़ हम लोगों के पास में है, और जो एडवोकेट्स काम कर रहे हैं। तो साथियों, कल 4 तारीख है, तो कल हमें पूरा विश्वास है कि कल हमें जस्टिस मिलेगा कोर्ट से, और जैसे ही जस्टिस मिलेगा तो जो समाज के लोग हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, रविंदर सिंह एडवोकेट से संपर्क कर सकते हैं, सुनील कुमार जी से संपर्क कर सकते हैं, एम एस आर्या जी संपर्क कर सकते हैं, सिद्धांत गौतम जी से संपर्क कर सकते हैं, ओम ओ पी भारती जी संपर्क कर सकते हैं, शिवचरण जी से संपर्क कर सकते हैं, और बहुत सारे एडवोकेट, महमूद पराचा जी हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, जो भी एडवोकेट्स आपको मिले सबसे संपर्क कर सकते हैं कि हमारी जमानत कैसे भरवाई जाए। और हर इंसान आपकी जमानत भरवाने के लिए तैयार होगा, समाज के लोग आगे आएँ और जमानत देने के लिए तैयार हैं। सब लोग इस लड़ाई में भागीदारी सुनिश्चित करें, क्योंकि ये जिम्मेदारी सब लोगों की जिम्मेदारी है, किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि जब समाज की लड़ाई होती है तो सबको साझा लड़ना चाहिए, और जब साझा लड़ाई लड़ी जाती है तो निश्चित विजय होती है। तो साथियों, हमें उम्मीद है कि हम जल्दी से जल्दी 96 लोगों को जो झूठी FIR में अंदर बंद हैं उनको निकालने में कामयाब रहेंगे, और इस जंग को कोर्ट के अंदर लड़ेंगे और हम जीतेंगे। और साथियों, मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहता हूँ कि जो परिवार वाले चिंतित हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप चिंतित ना हों, आपके लिए नंबर ऑफ एडवोकेट्स लगे हुए हैं, आप किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास में है, आप किसी से भी संपर्क करके आप अपनी जमानत करा सकते हैं। आप अपने बच्चों को जमानती के लिए नहीं मिले तो संपर्क कर सकते हैं, सब हो जाएगा, चिंता नहीं करें आप लोग, क्योंकि हम लोग हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोगों से आप कर सकते हैं, और ये साझा लड़ाई लड़ी जा रही है, और ये यूनिटी का परिचय है, यूनिटी का परिचय है। मैं तो चाहूँगा कि जैसे वकील भाई साझा लड़ाई लड़ रहे हैं, सब लोग ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, वैसे ही समाज में भी जो जिम्मेदार साथी हैं वो साझा लड़ाई लड़ रहे हैं। जब भी हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बना पाएंगे, जब भी हम उन लोगों से लड़ पाएंगे और एक अच्छी शुरुआत कर पाएंगे। साथियों, जिन लोगों की जमानत लगी हुई है आप नेट पे भी देख सकते हैं, आप नेट पे जाकर भी आप सर्च कर सकते हैं, और कोर्ट नंबर 309, कोर्ट नंबर 309 है, 3rd floor पर साकेत का, तो वहाँ पर कल आप लोग आ सकते हैं और जो डिसीजन होगा उसको भी देख सकते हैं। और परसों 5 तारीख को 96 लोग जो पकड़े गए हैं वो सभी कोर्ट में आएंगे, तो उनके परिजन, उनके मिलने वाले लोग उनसे मिल सकते हैं, वहाँ पर आकर 11 बजे वो लोग आएंगे, तो आप उनसे मिल भी सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, और उनसे
जो उनके परिवार वाले नहीं मिले हैं, मोस्टली तो मिल चुके हैं, तो उनसे कोर्ट में भी आके आप मुलाकात कर सकते हैं। साथियों, समय समय पर आप लोगों को लीगल अपडेट मैं देता रहा हूँ और आगे भी मैं आप लोगों को जैसे भी कुछ भी बात होगी कोर्ट के अंदर मैं देता रहूँगा। किसी के बहकाव में वे ना आए, क्योंकि एक लीगल प्रोसीजर होता है, उस लीगल प्रोसीजर के थ्रू ही सब काम होता है और हमें उम्मीद है कि उस लीगल प्रोसीजर में हम कामयाब होंगे, हम बेल लेने में कामयाब होंगे, हम इस केस को जीतेंगे, क्योंकि फर्जी केस है, इस केस में कोई आधार नहीं है, झूठा केस है और हमारी निश्चित जीत होगी। आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, तो एडवोकेट साथी अच्छी तरह इस लड़ाई को जीत पाएंगे। और सिरे की जहाँ से बात है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि सबसे कम अगर कोई काम कर रहा है तो मैं कर रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा सब लोग काम कर रहे हैं, सब लोग अपने घरों को छोड़कर आ रहे हैं, सब लोग अपने अपने कोर्टों को छोड़कर वहाँ पहुँचते हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग चिंतित हैं, पूरे देश से फोन आते हैं, लोग चिंतित हैं अपने बच्चों के लिए, सारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो चिंतित हैं कि उन लोगों को जल्दी से जल्दी छुटाया जाए। और जो हमारी लीगल टीम है, जितने मैंने आप सब नाम बताए आप लोगों को, 150-200 लोग हैं, 150-200 लोग, आज पूरा कोर्ट भरा हुआ था, सब लोग बड़ी ईमानदारी और मेहनत से काम कर रहे हैं और उनकी एक ही इच्छा है कि 96 लोग बाहर निकलने चाहिए। और 96 लोग बाहर निकलेंगे तो उनके केस को लड़ने के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ रहा है, लड़ा जा रहा है केस, एक भी पैसा किसी को कोई देने की जरूरत नहीं है, सब हम लोग, यहाँ तक भी फोटो स्टेट कुछ भी होगा वो सब हम लोग करेंगे, जो जो भी लोग कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी है, वो अच्छे लोग हैं, सब लोग कर रहे हैं, जैसे रविंदर सिंह हैं, सारी जितनी भी वो है बेल्स हैं, सब उन्होंने ड्राइव करी है अपने वहाँ पर, पूरे दिल लगे रहे हैं लोग, बाग मेहनत कर रहे हैं वो लोग, उनको श्रेय मिलना चाहिए उन लोगों को, अपना काम छोड़ छोड़ कर लोग आ रहे हैं, उनकी ड्यूटी है, मेरी भी ड्यूटी है, सबकी ड्यूटी है, तो इसलिए आप सब लोग जागरूक हों और कहीं ना कहीं जस्टिस दिलाने में साथ दें। साथियों, जैसे भी अपडेट आती रहेगी मैं आप लोगों को देता रहूँगा, सभी लोग चिंतित थे तो इसलिए मुझे आना पड़ा, लाइव आना पड़ा, तो आप लोग उनको बता सकते हैं, परिवार वालों को बता सकते हैं, और जो जो भी स्टेट्स के लोग हैं, जैसे हरियाणा के 55 लोग हैं, पंजाब के 23 लोग हैं, उत्तर प्रदेश के 11 लोग हैं, मध्य प्रदेश के 3 लोग हैं और 3 दिल्ली के लोग हैं और 1 जम्मू एंड कश्मीर का हमारा पवन है जो भाई, वो हमारा वहाँ का है, सभी लोगों की जमानत होगी। और सभी जो देशवासी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग इनके परिवारों से भी मिल सकते हैं, इनके परिवारों को वहाँ जाकर इनको ढांढस बना सकते हैं, उन लोगों की मदद कर सकते हैं, उन लोगों से बात कर सकते हैं कि आपके बच्चों को यहाँ पर आएंगे। और मैं समाज से फिर दोबारा सभी बुद्धिजीवी लोगों से, सभी लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग आगे आएँ, और आप जब उनकी बेल हो, तो बेल तो हो जाएगी मगर उनकी जो जमानत देने के लिए आगे आएँ और सहयोग की भावना बनाएं। आप लोग हमारे नंबर नोट कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9582905506, MSRA हैं तो उनका नंबर भी मैं उपलब्ध करा दूँ, अभी मेरे पास है नहीं उनका नंबर क्योंकि तो फ़ोन से मैं लाइव कर रहा हूँ। रविंदर सिंह है, उनका नंबर भी आपको लाइव किया जाएगा। सुनील कुमार जी, उनका नंबर भी, पाटचा साहब का नंबर भी हम लाइव कर देंगे, आया मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं किसी का भी नंबर, और सब लोगों के नंबर आप ले सकते हैं हम लोगों से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप अपना काम कराएं और अपने बच्चों के साथ में अच्छी तरह, जो लोग यहाँ से बाहर से लोग आए हैं वो अपने घर जाएंगे। साथियों, लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है तो विचारधारा से ही लड़नी पड़ेगी, तो इसलिए जो एक विचारधारा के लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस लड़ाई को जीतना पड़ेगा। और जैसी भी अपडेट होगी मैं आप लोगों को बताऊँगा। जो लोगों की बेल लगी हुई है, मैं एक बार उनका नाम एक बार बोल देता हूँ कि किन किन लोगों की बेल लगी हुई है और औरों की बेल भी लग जाएगी।
नंदू की बेल लगी हुई, नंदू, चिराग, मंजीत, मनीष, परवीन कुमार, दीपक, तूफान लाल, बलवंत सिंह, गौरव, कुलदीप सरॉय, रिचपाल, हर्ष कुमार, सनी, सतीश कुमार, बंटी कुमार, रवि कुमार, अमरदीप, खुशी राम, बलराम, बूटा सिंह, रामपाल, लखविंदर, सुखदेव, मंजीत, गुरुदास, सोमपाल, अशोक कुमार, रामपाल, करण सिंह, कुलदीप सिंह, भजन लाल, गुरुवचन, राहुल, बलविंदर कुमार, राजेश, अशोक कुमार, विनोद, रोहित, अशोक रावत, सुमित, पंकज गौतम और गुरुचरण, अंकुर की बेल लगी हुई है 43 लोगों की, और कल जैसे ही होगा तो हम आपको अपडेट देंगे चाहती, और बाकी जितने भी लोग हैं उनकी जल्दी से जल्दी हम बेल लगाएंगे और सब लोगों को छुटाया जाएगा। जय भीम, जय भारत, जय गुरु की। समता आवाज़ टीवी की आपसे गुजारिश है, समता आवाज़ टीवी को जीवित रखने के लिए, समता आवाज़ टीवी को बचाने के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और उसके बराबर में बैल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी जो नई अपडेट्स है वो आपको तुरंत मिलती रहे। समता आवाज़ की आपसे पुनः गुजारिश है, समता आवाज़ टीवी की हर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।